कमलेश किचन को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार, कमलेश किचन में आपका स्वागत है। आज हम सर्दियों में बनाने वाली जो सभी लोग बनाते हैं और घर घर में बनती है, मूली के परांठे बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने मूली, ताजी मूली ले ली है, इनको धो लिया है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, जो ये जो मूली के पत्ते हैं ना, जो हमने ये छोटे छोटे पत्ते ले रखे हैं, ये इनको भी हम इसमें काटेंगे बारीक बारीक। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे मूली छीलनी होगी। तो मूली के परांठे बनाने के लिए सबसे पहले हमें मूली ही छीलनी होती है, ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर जो बारीक बारीक बाल होते हैं ना, ये परांठे का सारा टेस्ट बिगाड़ दे रहे हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ये मूलियाँ छील लेंगे इनको, फिर इनको कद्दूकस कर लेंगे। देखा ना, मूली छीलने से कितना अच्छा कलर आ गया इनमें, और जो ये हमारे इसमें बीच में बाल होते हैं ये भी निकल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं मूलियों को छील के कद्दूकस कर लूंगी। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कद्दूकस कर लिए हैं इनको, और अच्छे से इनको हम टाइट हाथ से इस तरह से दबाते हुए अच्छे से दबाएंगे, जो सारा पानी इसका निकल जाना चाहिए। इस तरह से हमने इसको सारा पानी इसका निकाल लेना है। अच्छे से टेढ़े हाथ से हमने इसको पानी निकाल देना है। और ये जो पानी है, इसे आप चाहे तो आटा गूंथ लें, इसे वेस्ट ना करें। और ये भी काम का पानी है, तो इसे आप आटा गूंथ सकते हैं। और यहाँ पर मेरे जो पत्ते थे इसके मूली के, उसको भी बारीक काट लिया है। अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है, इसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया है। तो यहाँ पर हमने जो सामान लिया है वो मैं आपको बता देती हूँ। धनिया पत्ता मैंने इसमें बारीक काट के ले लिया है, अदरक और लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर मैंने प्याज ली है एक मीडियम साइज की, और 2 से 3 हरी मिर्च, इनको हम बारीक काट लिया है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले मैं डालूंगी जीरा। जीरा हम डाल देते हैं इसमें, देखते हैं, तेल अच्छा गर्म हो चुका है। जीरा हमने ब्राउन कर लेना है, और उसके बाद डालना है हरी मिर्ची। और प्याज और ये अदरक लहसुन का पेस्ट था, ये भी हम कद्दूकस किया हुआ था, मतलब ये भी हम इसी में डाल देंगे। तो आप इस विधि से जो बनाओगे ना मूली के परांठे, वो आपके फटेंगे नहीं, और खाने में तो बेस्ट है ही। तो यहाँ मैं अब डालती हूँ सामान, जो हमारे गरम मसाले वगैरह हैं वो मैं इसमें डाल देती हूँ इस टाइम। तो यहाँ मैं सबसे पहले डालूंगी, हमने यहाँ पर हल्दी लेनी है 1 या 2 पिंच बस, और लाल मिर्ची पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पर मैंने 1 चम्मच लिया है। धनिया पाउडर 1 से 1.5 चम्मच, ये मैंने घर में पिसा हुआ धनिया पाउडर है, तो ज़्यादा पिसा हुआ है मैंने, क्योंकि ऐसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें। और यहाँ पर कसूरी मेथी, तो इसको हम अच्छे से हाथ से रगड़ के डाल देंगे, इससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है इसका। हमारे सारे मसाले हैं जो मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें जो ये हमारी मूली ली हुई थी, ये भी इसमें मैं पलट दूंगी। और आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर जो मैंने मूली ली है वो कितनी सूखी हुई है अच्छी सी। तो हमें इसी तरह से मूली रखनी है। अगर ये जरा सा इसमें पानी रहेगा ना, तो ये परांठे हमारे फट सकते हैं। तो हमने यहाँ पर गैस बिल्कुल लो फ्लेम पे कर दिया है, और अच्छे से हम ये मसाला इसमें मिला लेंगे मूली का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है। हमने इसको ज्यादा देर नहीं पकाना, बस तब तक के लिए पकाना है, तब तक ये मसाला हमारा अच्छे से मिक्स ना हो जाए। अब इसमें हम डालेंगे जो हमारी ये मूली के पत्ते हैं, इनसे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो हमने ये भी इसमें डाल दिए हैं, ये बेबी लीव्स हैं,
तो आप ये मूली के जो लास्ट में जो होते हैं ना बीच में बारीक बारीक पत्ते, वो ना फेंके, उन्हें भी आप यूज करें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैंने गैस एकदम से लो की हुई है, अब हम इसमें डालते हैं आगे का सामान। तो यहाँ पर मैंने गरम मसाला भी लिया है, तो हाफ टी स्पून गरम मसाला और एक चम्मच अमचूर पाउडर, इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम मीडियम कर दिया है, अब इसमें हम डालेंगे लास्ट में नमक। तो हमने इसको नमक पहले नहीं डालना, लास्ट में डालना है, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा नमक ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक चम्मच नमक लिया है और इसमें डाल देंगे धनिया। तो धनिया पत्ती हमने काफ़ी सारी ली हुई है, क्योंकि इस टाइम तो धनिया का सीजन चल रहा है ना, अभी हमारे लिए फायदेमंद भी बहुत होता है। तो हमने ज़्यादा इसको नहीं पकानी मूली, नहीं तो पानी छोड़ देंगी। तो हमने यहाँ पर गैस बंद कर देनी है और इसको मिला लेना है अच्छे से, और इसको हम अलग से एक बर्तन में निकाल देंगे, नहीं तो ये पानी छोड़ देगी मूली। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो मसाला था वो भी तैयार है और आटा भी तैयार है। तो हमने यहाँ पर थोड़ा टाइट आटा नहीं लेना है, हमें आटा बिल्कुल सॉफ्ट लेना है इस तरह से। अगर हमने टाइट आटा लिया तो हमारी ये पिट्ठी जो उसमें से निकल जाएंगी। तो मैंने यहाँ पर एक नींबू के साइज का, बड़ा नींबू होता है उसके साइज का आटे की लोई ली है, और इसको अच्छे से हम रोटी की तरह बेल लेंगे। यहाँ पर इस तरह से रख के मैं इसको रोटी की तरह बेल लेती हूँ। तो रोटी हमें जो किनारी है ना रोटी की, ये बिल्कुल पतली करनी है, इसे हमने मोटा नहीं छोड़ना। अगर हम इसे मोटा छोड़ेंगे तो हमारा पराठा जो होता है ना बीच में से बहुत ही ज्यादा मोटा हो जाएगा और मसाला हमारा बीच से निकल जाएगा। तो हमने यहाँ पर एक बड़ी सी रोटी बना लेनी है, आप देख सकते हैं इतनी बड़ी मैंने रोटी बना ली। और इसमें अब हम डालेंगे पिट्ठी जो मूली की बना के रखी हुई है हमने। तो इसमें से हम इतना हिस्सा लेंगे मूली के, आप देख सकते हैं इतना मैंने इसमें डाल लिया है, और इसको अच्छे से फैला लूंगी चारों तरफ से, और इसे ऐसे इधर से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और ऐसे ऐसे, और लास्ट में इसको बढ़ाते हुए इस तरह से, और फिर मैं इसको सूखे आटे में डिप करना है। और आप देख सकते हैं ये जो हिस्सा है हमारा, ये वाला हिस्सा है ना, इसके तरफ से हमने इसको ऐसे घुमाना है ऐसे। तो हमने इसको हाथ से ही थोड़ा बड़ा करेंगे, तभी हमारा ये जो मसाला है ये बाहर नहीं निकलता। तो इस तरह से हमने इसको हाथ से प्रेस देके इसको हिलाना है इस तरह से, इस तरह से, और फिर से हमने इसमें पलोथन लगाएंगे और फिर इसको हम रख के बेल लेते हैं। इधर हमारा तवा भी गर्म हो चुका है, तो रोटी भी हमारी बन चुकी है, तो हम इसे डालेंगे तवे पर। तो पराठा मैंने तवे पर डाल दिया है, इसको हम हल्की आंच में या मीडियम आंच पर ही पकाएंगे, ज्यादा तेज आंच पर पकाएंगे तो ये जल जाएगा। तो मैंने अभी यहाँ पर गैस थोड़ा तेज कर दी है, और इस पर हम लगाएंगे थोड़ा सा तेल, आप यहाँ देसी घी भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ तेल डाला है और इसे पलट लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छा सा फ्राई करूँगी। मैं आपको दो तरह के पराठे बनाने से कहूँगी, एक तेल का एक बिना तेल का। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है, और मैंने गैस लो कर दी है, और इसको हम अच्छे से घुमाते हुए पकाएंगे। तो यहाँ पर मैंने दूसरा पराठा भी तैयार कर लिया है, तो उसे भी मैं इसी तरह से सेक लूंगी।
यहाँ पर मैंने दूसरा पराठा भी डाल दिया है, तो इसे भी हम उसी तरह से सेकेंगे। हमारा ये पराठा तब तक सिकता है, मैं आपको फिर से एक रोटी बेलना सिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर रोटी बेल ली है और इसके अंदर मैं डालूंगी जो हमारा मसाला है ये। तो आप यहाँ पर एक चम्मच से दो चम्मच ले सकते हैं, ज़्यादा लोगे तो ये फट जाएगा। तो फिर से हम इसको इसी तरह से फोल्ड करेंगे ऐसे, और फिर ये कोना इधर से दाबते हुए, ये जो इधर का कोना है ना, इसको इस तरह से दाबते हुए, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ आपको। तो ये जो कोना है इसको इस तरह से, और जो ये कोना है उसे इस तरह से, और ये वाला कोना इस तरह से, और ये लास्ट में एक जो नोक बच जाती है ना, इसको थोड़ा सा लंबा खींच कर और इसको फिर हम इस तरह से आगे तक दबा देंगे, और थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे पलोथन, और फिर से इसको हम इसी तरह से हाथ से घुमाते हुए, हल्का हल्का हाथ से घुमाते हुए, और इसे हम बेल लेते हैं हल्के हल्के। हमने इसमें ज़्यादा जोर नहीं देना, प्रेस नहीं करना इसको, नहीं तो ये फट जाएगा। तो हमने इसको हल्के हाथ से इसी तरह से बेलना है। थोड़ा सा आटा और लगाऊंगी मैं, और फिर से इसको हम इसी तरह से बेलेंगे बिल्कुल हल्के हाथ से। हमने अगर इसमें जरा सा भी वजन लगा दिया ना, तो ये पराठा हमारा बाहर निकल जाएगा, फट जाएगा। तो इसको मैं फिर से एक बार पलोथन लगाऊंगी, इस तरह से हमारा ये पराठा बनके तैयार हो चुका है। और उस वाले पराठे में हम घी लगा लेते हैं, तो इसमें भी मैं फिर से थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगाऊंगी और इसको पलट दूंगी, गैस में तेज कर दूंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने लो मीडियम पर ही पकाने हैं, अगर हमने तेज इसको गैस कर दिया तो पराठा हमारा ये अच्छे से फूलेगा नहीं और क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा पराठा फूल चुका है। तो इसको मैं फिर से पलट देती हूँ, आप देख सकते हैं कितना फूला फूला पराठा तैयार हुआ है। तो इसे भी मैं निकाल लेती हूँ, आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी पराठा तैयार हुआ है। तो इसे मैं अलग से निकाल लेती हूँ। तो इसी तरह से मैं एक पराठा और सेकूंगी, तो हमने जो ये पराठा बनाएंगे हम इसको बिना तेल का ही बनाएंगे, बिना घी का बनाएंगे। तो इसको हम सिंपल पराठा बनाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं ये आगे से और पीछे से दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुका है, और इसको फिर हम पलट देते हैं इस तरह से। पलटने के बाद हमारा हम थोड़ा सा कपड़ा लेके इसको अच्छे से हाथ से इस तरह से दबाते हुए पराठा सेकेंगे। ये मतलब पराठा हमारा बिना घी का है, और ये भी खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। और इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे। तो हमारा ये सिंपल पराठा भी बनके तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से हम ये दूसरा वाला भी बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको भी तैयार कर लिया है, तो इसको भी मैं इसी तरह से सेक लूंगी अच्छे से हाथ से। कपड़े से मैंने एक कपड़ा लगाया है इस पे, कपड़ा पकड़ के सूती कपड़े से, और इस तरह से दाब देंगे जिससे हमारा ये चारों तरफ से और अंदर से सिक जाए, कच्चा नहीं रहना चाहिए। और इसमें आप ऊपर से चाहे तो हल्का फुल्का देसी घी लगा सकती हैं। देख सकते हैं आप कितना ये करारा पराठा हमारा तैयार हुआ है, बिल्कुल ये तंदूरी रोटी की तरह लग रहा है। तो देखिए एकदम से तैयार है, दो स्टाइल का पराठा है। यहाँ पर ये मेरा तला हुआ पराठा है, ये सिंपल पराठा है। तो इसी को मैंने इस तरह से रख दिया है। अब हम इसको
बटर के साथ ऐसे रखेंगे जैसे हम रेस्टोरेंट में रखते हैं। और इसी तरह से मैं ये जो पराठे हैं आपको दिखा देती हूँ, ये भी हम इसी तरह से रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने देसी स्टाइल में चटनी बनाई है और यहाँ पर मूली के पराठे। वाह, मजा आ गया, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो आप भी बनाइए जरूर, किस तरह से मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी पसंद आई हो, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो या मेरे मतलब जो बनाने का तरीका है ये अच्छा लगा हो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। लेकिन जाने से पहले मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि अगर हमने ये मूली ज़्यादा देर फ्राई करेंगे तो इसका पानी निकल जाएगा, और आटा हमने हल्का नरम ही लगाना है, टाइट आटा बिल्कुल नहीं लगाना, नहीं तो ये बनाते टाइम आटा टाइट होगा तो मूली बाहर निकल जाएंगी। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय।